मैं वेडिंग फोटोग्राफी बिज़नेस रन कर रहा हूँ अभी स्टार्ट किया हूँ छः महीने हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग थो लीड लीड ला रहा हूँ सेल्स कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ नहीं रही है मेरी कितना पैसा लगाते हो ऐड में सर ऐड में मैं जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने पाँच लगाया था तो उसमें मुझे पंद्रह लीड आई थी कुछ फेक लीड रहती हैं कुछ जो जेन्यून रहती हैं तो फिर कन्वर्जन नहीं होता जल्दी से देखो ध्यान से समझो कैसे आप क्रैक करोगे इस बिज़नेस मॉडल को इसमें प्रॉब्लम क्या होगी जो भी लोग आपके पास में आएंगे वो आते ही सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप बताओ आपने क्या क्या काम किया है यस yes, सर और आपके पास ज़्यादा कुछ है हाँ ही नहीं दिखाने के लिए यस yes, सर जो है वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है मैं ठीक कह रहा हूँ yes, yes, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो देख करके कहें कि ये तो एक्स्ट्रा है ये बहुत बढ़िया काम है क्योंकि सबको काम बढ़िया चाहिए और पैसा कम से कम देना है कम से तो पहले आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो इस तरह का काम बहुत अच्छे से कर रहे हों जो इसमें एक्सपर्ट हों क्योंकि ये दो अलग अलग स्किल है एक है फोटोग्राफी यानी वेडिंग फोटोग्राफी जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो आपको बेसिक लेवल की आती है yes, लेकिन आपको मार्केटिंग आती है एंड देर आर लॉन्ट ऑफ फोटोग्राफर्स जिनको मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता नहीं आती बट फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है yes, इस बिजनेस में आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है वेडिंग फोटोग्राफी में क्या आपको आइडिया है कि लोग कितना कितना चार्ज करते हैं सर बहुत ज्यादा चार्ज बहुत की क्या डेफिनेशन है करोड़ों रुपए चार्ज करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं ऐसे किसको जानते हो आप जो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं सर जो सर जो सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर है हाँ वो लाखों रुपए चार्ज करोड़ों नहीं होगा शायद लाखों वैसे आपने लाखो। बोला ठीक था लेकिन आप खुद ही डर गए बोल करके आपको लगा कि करोड़ों शायद ज्यादा हो गए करोड़ों रुपए भी चार्ज करते हैं पॉडकास्ट वगैरह में सुना था हाँ क्लियर नहीं था सही सुना था आपने जो तो बहुत है दस पंद्रह लाख बीस लाख तीस लाख इसमें मार्जिन कितना होता है सर मार्जिन काफी अच्छा है तो अब आपको ये सोचना है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए क्या आपको ये समझ आ रहा है कि जो भी आपका कस्टमर है उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियली आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली उनको आपसे क्या चाहिए मतलब कि आप जो कर रहे हो वेडिंग yes, फोटोग्राफी वो करने वाले बहुत लोग हैं उनके पास में दो चार ऑप्शन नहीं है बहुत सारे ऑप्शन है yes, उनके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ऑप्शन है उनके रिलेटिव ऑप्शन है नोन में बहुत ऑप्शन है।, है आप तो अनोन हो yes, तो उनको एक्चुअल में ऐसा क्या चाहिए जो अगर आपसे उनको मिल जाता है तो वो आपसे काम कराएंगे और और कहीं से काम नहीं कराएंगे क्योंकि वो वो चीज दे ही नहीं सकते हैं लगाओ दिमाग न यू डू अच्छे मोमेंट उनके जो, जो सबसे अच्छे मोमेंट है वो उनको चाहिए उसकी क्या डेफिनेशन है वो तो सभी कहेंगे कि अच्छे मोमेंट है मतलब आप भी जा रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन देने आप कह रहे हो कि मैं सत्तर हजार रुपए चार्ज करूंगा कोई और है वो कह रहा है मैं साठ हजार चार्ज करूंगा सब कह रहे हैं कि देखो अपने बेस्ट मोवमेंट्स कैप्चर करे है सब अपना बेस्ट काम दिखा रहे हैं कोई भी अपना घटिया काम नहीं दिखाएगा सब अपना बेस्ट काम दिखाएंगे क्योंकि इस लाइन में आपको जज किया जाता है उसके बेस पे नहीं जो आपका सबसे अच्छा काम है बल्कि उसके बेस पे जो सबसे घटिया काम है तो घटिया काम को तो दिखाना ही नहीं होता है सिर्फ अच्छे काम को दिखाना होता है चाहे कम दिखाओ ये भी बहुत लोग गलती करते हैं सामने वाला पूछता है हाँ भाई कितना आपने काम किया है लो जी मैं सब कुछ दिखा रहा हूं और उनकी नजरें जाकर के अटकेगी सबसे घटिया काम पर यह क्या है यहां से थूक निकल रहा है तुमने शूट किया हुआ है ये कोई शूट करता है ना भैया तुमसे नहीं कराना तो जो बेस्ट है वही दिखाओगे ना यस yes, आप भी और बाकी लोग भी सर yes, तो उसमें अलग क्या है तो आप से क्यों है क्यों कराएंगे यही करना कैसे करोगे ये तो सब्जेक्टिव हो गया दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब समझते हो मतलब ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है आप कह रहे हो कि मेरा काम अच्छा है वो कह रहा है उसका अच्छा है वो कह रहा है उसका अच्छा है, है, उसका अच्छा है और कस्टमर को कुछ भी नहीं पता कि इसका अच्छा है कस्टमर को तो एवीसीडी भी नहीं पता कस्टमर को नहीं पता रहता सर अस्मर को तो पता ही नहीं क्या बढ़िया लाइटिंग क्या बेकार लाइटिंग वो तो बेकार लाइटिंग को बढ़िया बोल देगा यस yes, पूरे फेस को चमका दो वो कहेगा वाह बहुत बढ़िया लग रहा है और थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर दो लाइट एंड शैडो वो कहेगा ये क्या है काला काला कर दिया यस yes. अच्छे को बुरा बोल देगा बुरे को अच्छा बोल देगा यस yes. तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप उस लीग में आ जाओ जिस लीग में लोग पचास साठ हजार या लाख रुपए चार्ज नहीं करते हैं दो तीन लाख रुपए पांच लाख रुपए चार्ज करते हैं क्या उस लीग में आप आ सकते हो और अगर आ सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आई एम नॉट श्योर आप कहाँ कर रहे हो ये काम सर मैं इलाहाबाद से शिफ्ट हो गया हूँ अब लखनऊ में अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगा ऑफिस भी नहीं है अपना भी ऑफिस नहीं है ना तो मैं क्या करूंगा अगर मैं आपकी जगह हूँ सबसे पहले मैं मुंबई में एक वर्चुअल ऑफिस लूंगा वर्चुअल ऑफिस का मतलब समझते हो यस yes, सर क्या होता Virtual है वर्चुअल ऑफिस सर मैंने मतलब देखा है यूट्यूब वगैरह पे सब समझा है बट एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वर्चुअल ऑफिस आप uh, वो एड्रेस पे आपको मिलता है वो स्पेस नहीं होता है कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता है फिजिकल स्पेस होता है अच्छा लेकिन वही फिजिकल स्पेस वो बहुत सारे लोगों को दे देते हैं एड्रेस एक है बट बहुत लोगों को दिया हुआ है वो कोवर्किंग में रहता है शायद कोवर्किंग को अलग चीज़ है वर्चुअल ऑफिस अलग चीज़ है अच्छा अच्छा को वर्किंग में तो आप वहां जाके काम करते हो वहां जाके बैठते हो आपको एक मिलता है वर्चुअल स्पेस में आपको सिर्फ मिलता है। अगर उस एड्रेसियर भेजेगा तो वो कोरियर आपके घर तक वो कोरियर कर देंगे उसके अलावा कोई कॉल करेगा तो नंबर फॉरवर्ड होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा अच्छा इसको वर्चुअल ऑफिस बोलते हैं और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है सिर्फ हजार दो हजार रुपए महीना तो विजिटिंग कार्ड पे और आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और आपकी वेबसाइट पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो नहीं बनाई है तो बनानी चाहिए बिकॉज वेबसाइट इज एज गुड एज एजिटिंग कार्ड आज की डेट में दैट इज अ पोर्टफोलियो और वो भी एक दिन में बन जाती है सी एम एस बेस्ड टेम्पलेट होते हैं जिसको यूज करके वो बन जाती है yes. तो एक बार आपकी बढ़िया वेबसाइट बन जाती है इंस्टाग्राम पेज बन जाता है बढ़िया विजिटिंग कार्ड बन जाता है विजिटिंग कार्ड अब एक रुपए का भी बनता है दो रुपए का भी बनता है और बीस रुपए का भी बनता है तो बीस रुपए वाला बनवाओ विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में जाए वो उस पर थोड़ी देर तक रुके उसको पलट करके देखे कि भाई ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट फिर जब आपका ये तीनों चीजें रेडी हो जाती है तब आप क्या कर सकते हो मुंबई जाओ जा करके वहां पे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो वेडिंग का काम कर रहे हैं सेलिब्रिटीज के लिए अब सेलिब्रिटीज भी दो तरीके के होते हैं एक है जो बिल्कुल ही टॉप सेलिब्रिटीज है yes, उनके लिए जो फोटोग्राफर्स काम करते हैं वो तो आपसे डायरेक्टली अभी नहीं मिलेंगे yes, हो सकता है मिल भी ले अगर आप ढंग से जाओगे तो सिस्टम से अपॉइंटमेंट लेकर ई ईमेल करके उनको आपकी वेबसाइट दिखेगी, दिखेगी प्रोफाइल तो और टेलीविजन सेलिब्रिटीज के लिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनकी वेडिंग शूट करते हैं वो बड़ी आसानी से आपसे मिल लेंगे क्योंकि उन्हें एडिशनल बिजनेस मिल रहा है तो आप मुंबई गए वहां पर जाकर के आप चालीस लोगों से मिले ये नहीं कि एक दो से मैं मिला सर कुछ नहीं हुआ आपने जो बोला था उससे एक दो में कुछ नहीं होने वाला है तीस चालीस से मिलोगे उसमें से बीस तीस मना कर देंगे कहेंगे नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे बात करने में ना आपसे टाइप करने में चालीस में से चार पांच ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है आप काम लेकर के आओ काम मैं करूंगा तो बोलो कि हमारे पास कस्टमर्स बहुत है वहां पर काम बहुत है आप मुझे बताओ मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा मुझे कितना परसेंट दोगे वो कहेगा मैं आपको बीस परसेंट दूंगा आप बोलो नहीं चालीस परसेंट चलो तीस परसेंट में डन अब क्या हुआ यहां पर अगर आप समझ पा रहे हो तो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है अच्छा या बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ड्रीम पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बन सकता है कोई भी इंसान है कैसा भी है उसको क्या चाहिए अगर कोई ब्राइड है वो कैसा लहंगा बनवाती है वो कहती है उस एक्ट्रेस ने जो अपनी शादी पे पहना था वो तो है बीस लाख ,00 का लहंगा लेकिन मुझे चाहिए बीस हजार में लेकिन चाहिए वैसा ही समझे मैंने क्या कहा है मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं ये बेसिक साइकी है दे वॉन्ट टू लुक एग्जैक्टली लाइक देम और अगर ऐसे चार बंदे आपको वहां पर मिल गए हैं जिनसे आपने टाइप कर लिया है और आपकी वेबसाइट में उनकी डिटेल आ गई है उनके पोर्टफोलियो के जो बेस्ट शॉर्ट है वो आ गए हैं इंस्टाग्राम पे आ गया है और आप कहते हो मेरा उनसे टाइप है तो अब आप एक पूरी की पूरी रेंज ऑफर कर सकते हो कि आप बताओ आपका बजट कितना है मेरे पास बीस लाख वाला भी है दस लाख वाला भी है पांच लाख वाला भी है पचास हजार वाला भी है रातों रात आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने में शायद आपको बीस तीस साल लगते yes. इसको बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग सर एक एक वर्चुअल ऑफिस का एक प्रॉब्लम है सर कि क्लाइंट विजिट करना चाहता है ऑफिस क्लाइंट इतना वेला नहीं है कि वो लखनऊ से मुंबई आएगा अच्छा लखनऊ के क्लाइंट के लिए ओके सर <laughs> आप ये काम लखनऊ के क्लाइंट के लिए ही करोगे ना यस यस सर मुंबई के लिए तो वो खुद ही कर लेंगे ना वो आपसे क्यों करवाएंगे यस yes, सर उन फोटोग्राफर्स के लिए भी बेनिफिट तब है जब आप उनके लिए कोई ऐसा बिजनेस लेकर के आ रहे हो जिसको वो खुद कैप्चर नहीं कर सकते हैं तो आप बोलोगे कि आप मुंबई में अगर चार्ज कर रहे हो दस लाख रुपए तो मैं वहां से आपके लिए बिजनेस लेकर के आऊंगा पंद्रह लाख रुपए का जिसमें पांच लाख मेरा दस लाख आपका वो बंदा क्यों मना करेगा yes, अब अगर ये बिजनेस आया है नहीं आया दिखाने के लिए आपके पास में कुछ ऐसा हो गया कि आप लखनऊ के नंबर वन वेडिंग फोटोग्राफर बन गए yes, रातों रात अब आपके टक्कर में कोई नहीं है कांट यू सी दैट ट्राइंग टू सी कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा yes, हूँ क्या आ रहा है बताइए समझने की कोशिश कर रहा हूं सर <laughs> नहीं हो रहा है सर <laughs> इसमें मुश्किल क्या लग रहा है अभी तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है सर मैं बता देता तो था इसमें मुश्किल क्या है yes, अगर आप बैठे बैठे सोचते रहे तो बहुत मुश्किल है यस yes, सर अगर ये सब कर दिया तो कुछ भी नहीं है आप क्या कर रहे हो आप अपनी प्रोफाइल एक अलग लेवल पे ले जा रहे हो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज है पैकेजिंग बहुत बड़ी चीज है इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट सर सो आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट पैकेजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन सोचो कि ऐसी टेलीविजन सेलिब्रिटीज जिसका कि वो लड़की टीवी पे पर शोज देखती है वो लड़की और उसकी माँ और जिसके जैसा लहंगा बनवाने के लिए जिसको इंस्टाग्राम पे वो फॉलो कर रही है और जिसके जैसा लहंगा वो बनवाना चाह रही है उसको ये पता लग जाए कि जिस फोटोग्राफर ने उसकी वेडिंग शूट करी है उसी फोटोग्राफर से मैं भी अपनी वेडिंग शूट करा सकती हूँ तो क्या पता वो बजट जो अभी लाख डेढ़ लाख रुपए है वो बढ़ करके

लेकिन जैसे उनको पता लगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है तो चलो शादी तो एक ही बार होती है ना मेरा बेटा कह रहा है कि फोटोग्राफी तो अब हम उन्हीं से कराएंगे तो करा दो आपका क्या गया नाम उनका काम उनका कमीशन आपकी और प्लस एक बार भी ऐसा एक काम आपने कर लिया तो आपका लेवल कहीं और ही पहुंच चुका है क्योंकि अब जो लेवल का आपको काम मिलेगा वो उसी लेवल का होगा हर लेवल पे लोग एग्जिस्ट करते हैं लोग फोटोग्राफी में पांच हजार भी चार्ज करते हैं पचास हजार भी करते हैं पांच लाख भी करते हैं पचास लाख भी करते हैं पांच करोड़ भी करते हैं जिस सर्कल में आप घुसते हो उसी सर्कल के लोग मिलते हैं क्योंकि वहां पर उसी तरह के लोग आते हैं उस वेडिंग में तो जिस लेवल पर आप काम करोगे उसी लेवल पर आप अटक जाओगे तो इस लेवल को बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं बिना कुछ करे क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप खुद जाओ और जा करके उन सेलिब्रिटीज का शूट करो वो तो पॉसिबल नहीं है yes. बट जो करते हैं अगर उनको उनका फायदा नजर आया तो वो तो आपसे टाइप कर लेंगे ना अब वो जो फोटोग्राफर्स हैं वो आपसे तब टाइप करेंगे जब उनको लगेगा कि आपका और उनका लेवल सेम है तो जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उससे पहले आप रिसर्च करोगे वो फोटोग्राफर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है देखो उसका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है आजकल तो सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है देखो वो किस तरह के कपड़े पहनता है किस तरह के जूते पहनता है किस तरह की दाढ़ी है किस तरह का चश्मा है क्या उसको आप कुछ हद तक मैच कर सकते हो तो वो इंसान जैसे ही आपसे मिलेगा इमिजिएटली उसके माइंड में एक बायस क्रिएट हो जाएगा कि ये मेरे जैसा है तो मैं इसको पसंद करता हूं अब यहां पर साइकोलॉजी बीच में आ गई है यू कैनॉट सेल एनी टिल द टाइम यू एक्चुअली अंडरस्टैंड साइकोलॉजी वेदर नोइंगली और अनोइंगली क्या कुछ क्लियर हो रहा है चल, काफी कुछ क्लियर हो रहा है काफी कुछ क्लियर हो रहा है तो उस इंसान से मिलने से पहले आप अपनी अपियरेंस को जैसी बनाओगे तो जैसा है yes. तो जो जिसके जैसा होता है उसको अपने आप ही वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है तो अगर उस इंसान को आप पसंद आ गए तो वो आपसे टाइप करेगा अगर उसने आपसे टाइप कर लिया और अपने काम को आपकी वेबसाइट पे अपलोड करने की परमिशन दे दी तो आपका काम तो ऐसे ही हो गया बैठे बैठे अब आपने सीधा जाकर के बेसिक साइकी को हिट कर दिया Wish you all the best. Thank you so much, sir. Most welcome, Jee. <laughs>